बता रहा हूँ निकल। जितना भी जुआ है पावर हो ना, पावर है दिखाना, दिखाना। गलत था ना रे? अरे हूँ गलत, गलत था। मैं कोड़े में कहता हूँ मैं गलत हूँ। अब उस मौत को ना तुझे अपनाना पड़ेगा, तू सोएगा उस मौत के गोद में। क्या है ये, किसको दिखाता तू? ये कैमरे की धमकी। तू मेरे से भीख मांगेगा। मैं प्रकाश भैया अच्छे हैं, उसी हाथ को तोड़ दिया। पछतावा रहा है कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कमेंट के माध्यम से कि इनको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में लोग कहावत कहता है कि बाप का किया हुआ बेटा को भुगतना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह, ये प्रकाश सिंह है। तो हमें उस फेंक बाबा जो है उससे बात हुआ, काफ़ी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। थाने से ही बात हुआ, थाने वाले ने ही फ़ोन कराया था, थाना प्रभारी भी बात किया और उसके बीवी बच्चे दोनों गए थे थाना में, रो रहे थे गिड़गिड़ा रहे थे छोड़ने के लिए। तो हमने पुलिस के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो करना है वो करो, हमारा अब उसमें मैटर नहीं है। तो हम गए भी नहीं वहाँ पे। तो पुलिस ने तो उसको मतलब चलान करके उसको छोड़ दिया है, जो उसका फाइन वाइन था वो ले लिया, छोड़ दिया, क्योंकि उसके बीवी बच्चे हैं। तो आप बोले 2 लाख रुपए लिए। अब पुलिस बोल रहा था हमको, अब कितना दिया है कितना नहीं तो हमको नहीं पता। पुलिस बोला कि 2 लाख का चलान किए हैं इसका, आज के बाद ऐसा करेगा नहीं, करेगा तो इसके ऊपर सीधा हम केस लगा के इसको अंदर जेल में डाल देंगे। तो उसको पछतावा अब हो रहा है। फ़ोन किया था, बात किए उससे, हम बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि भैया हमारे मार्केट में ना छवि बहुत ख़राब हो गई है, हमारे गली मोहल्ले वाले ही खुद हमको गाली दे रहे हैं कि कैसे कैसे काम करता है, कितना गंदा काम करता है तू, तेरा रोज़ वीडियो देखते हैं, ये सब क्यों करता है। तो बड़ी शर्म लग रहा था उसको, मतलब गली में निकलने उकलने के लिए, उसके बीवी को। तो उसको पछतावा हुआ, तो वो हमसे मिलना चाहता है कि भैया हम एक अच्छा वीडियो हम आप लोग के साथ बनाना चाहते हैं कि भैया हमारा भी कुछ इमेज सही हो, लोगों को पता चले कि हम अब ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको लग रहा है कि वो ठीक हो गया? अब देखो बाबू, लग रहा है नहीं लग रहा है, ज़िंदगी भर का तो उसका हम ठेका लिए नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का? जब ठीक हो गया तो ठीक हो गया। देखो अब हमारे माध्यम से वो ख़राब हुआ है, अगर वो कह रहा है कि भैया हमको एक मौका दीजिए। मैंने हम कहने का क्या मतलब है भैया, हमारे माध्यम से गलत कर रहा था तो हम उसको वीडियो बनाए। ठीक है तुम बनाए हो, अब उसको उसी वीडियो का उसको तकलीफ है कि लोग देखा है, लोग हमको निगेटिव सोच रहा है, गली में उसको लोग गाली दे रहा है, कहीं उसको लोग हीन नज़र से देखता है, तो उसको मतलब पछतावा हो रहा है। तो वो बोला है कि भैया हम पब्लिक से भी माफ़ी मांगेंगे कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसलिए वो हमसे तो भगवान भी देते हैं। तो हम उसको बोले हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तो हम उसको यहाँ का लोकेशन भी भेजे हैं। और लेकिन एक बात बताएं भैया, एक नई कहावत है बिहार में कि कुत्ते की पूँछ में आप कितना भी तेल लगा लीजिएगा ना वो सीधा होगा नहीं। तो हमें नहीं लग रहा है कि वो ठीक हुआ। देखो हमें उसके ऊपर जरा सा भी विश्वास कहोगे तो नहीं। फिर काहे बुला रहे हैं हमको? थाना प्रभारी से हमें थाना प्रभारी से बात हुआ है, जो थाना प्रभारी को वीडियो दिखाकर हम सब उसको बंद कराए थे ना, तो थाना प्रभारी से बात हुआ है, थाना प्रभारी खुद बोला है कि इसका फुल गारंटी हमारी है, अगर आज के बाद ऐसा करेगा तो हम इसको मतलब केस दफा जितना है सब लगा कर इसको अंदर कर दूंगा, इसके बीवी बच्चे हैं एक बार माफ़ कर दो। तब जाके हमने उसको मतलब एक समय मौका दिया हूँ कि आजा भाई मिल ले हमसे, क्या कुछ कहना चाहता है और दिल की बात अपना, अब वो क्या कहना चाहता है आएगा तभी पता चलेगा। तो हम इसलिए उसको यहाँ बुलाए हैं और लोकेशन भेजे हैं, कैमरा भी लगा लिए हैं, कुछ भी अगर हरकत करेगा तो उसका टेंशन मतलब फिर रिकॉर्ड करेगी। अब पुलिस में डायरेक्ट भेजिएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। थाना फरवाई बुरा है ना, आपको भेजा है तो कुछ भी अगर करता है तो हमें आपको कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना है। नहीं तो हम लोग, हमने मेरा बात सुन लीजिए, तो हम लोग गलत हो जाएंगे, तो उसका वीडियो बनाएगा पुलिस को दीजिएगा। हम कोई एक्शन लेंगे ही नहीं, अब ये सारा मैटर थाना में चला गया है, उसका रिपोर्ट लिखा जा चुका है, वो समझ लो जमानत पे छूट के आया है, समझ रहे हो ना, बेल पे छूट के आया है, पुलिस के पास उसका सारा रिकॉर्ड चला गया है, फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस पता, उसका ID सब चला गया, उसका FIR लिखा जा चुका है, उसका बीवी बच्चों के कहने पर पुलिस उसको एक मौका दिया है कि आज के बाद अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम आगे चल के उस केस को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, नहीं तो पुलिस कभी भी छापा मार के उसको लेके जा सकता है, उसको हाजिर होना पड़ेगा वहाँ। तो ये सब बताया थाना इंचार्ज ने हमको बताया, तो हमको कुछ मतलब विश्वास हुआ, इसलिए मैं उसको मौका दिया। तो आता है
अगर कोई भी हरकत करेगा ना तो हम सीधा शूट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ले जाकर थाना में दे देंगे। बाकी जो भी करना होगा थाना करना होगा करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? कुछ उल्टा भी बोलेगा तो हमें चुपचाप सुन लेना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। A few moments later. नमस्ते नमस्ते, सब ठीक ठाक हो? ठीक ठाक क्या हो यार, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो हमें कोई तुमसे जाति दुश्मनी तो था नहीं। देखो हर कोई ना मेहनत करके दो पैसा कमाता है, कितनी मेहनत भी। देखो भैया कब तक करूं, आप सोच के चलोगे मेरे साथ क्या बीत रहा है? हम देखो उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा मेरे ऊपर क्या चल रही है। हम समझ रहे हैं भैया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गलती का जिम्मेदार आप खुद। अब जो कर्म किए जो बोए हो वही ना काटे हो, हमारा उसमें कोई गलती नहीं। आम का पेड़ बोते हो तो आम का पेड़ ही उगेगा, हमारा उसमें कोई गलती नहीं है, वो सब आपकी गलती है। मेरी गलती है मानता हूँ, पर तो क्यों गलती है? इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं करी ना कि उसकी समाज मुझे इतनी बड़ी। आपको छोटा सा गलती लगता है? घर हर चीज कहाँ तक, किसको आप अपना हकीकत बताया? समाज भी आपके बारे में सारा चीज नहीं जानता है। समाज जितना तुम लोगों ने सबसे जितना तुम लोगों ने बताया है ना, उतने लोगों में ना इतना कुछ मेरे बारे में पता है कि जिस जगह पे जिस घर पे रह रहे थे ना वो घर भी आज हमारे पास नहीं है, सब लोगों ने निकाल दिया। ये आपके कर्म, आप जैसे कर्म किए ना भगवान उसी टाइप का आपको फल दे रहा है। हमारा कोई गलती नहीं है इसमें, हमने वही चीज किया जो हमको करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। समझता हूँ पर ये बता, हमारे जगह पे मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की, मेरे माँ बाप की क्या गलती है किसी की? उनका कोई गलती नहीं, उनका क्या गलती है? उन्हें क्यों समाज निकाल रहा है? समाज ना उन्हें कहीं रहने दे रहा है। हमारे यहाँ लोग कहता है पंचायत ने धक्का दे के गाँव से निकाल दिया, हमारे रिश्तेदार भी साथ रखने को तैयार नहीं है, कहाँ तक करूँगा भाई? वो सब भी अपने जगह पर ठीक है, सिर्फ आपके वजह से, आपके गलती की वजह से। हमारे गांव में लोग कहावत कहता है कि बाप का किया हुआ बेटा को भुगतना पड़ता है। तो बेटे ने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी ना, तो आपने की है ना। मैं तो अपने लिए तो कुछ नहीं कमा रहा था, आप अपने परिवार के लिए रहा ना। आप पैसे कमा रहे थे मान रहे, लेकिन आप गलत तरीके का यूज कर पैसे कमा रहे थे, जो कि तरीका आपका सही नहीं था। मान लीजिए कोई भी दो पैसा मेरे घर में, अब दो दो तीन तीन दिन तक हम खाना नहीं खाते हैं, किसी के पास डेली मजदूरी का भी काम करना है, मुँह छुपा के मजदूरी करने जाता हूँ, आधा आधा दिन मजदूरी कर लेता हूँ, किसी को अगर चेहरा पता लग जाता है ना, लेकिन नहीं मानोगे मेरे बच्चों को मैंने तड़पता हुआ देखता हूँ। मैंने आप मजदूरी करते हैं आज आज तो आज आपको आज आपको गली आज में और बच्चों का तकलीफ समझ में आ रहा है ना? क्या बुलाता ही क्यों मैं पिछले इतने दिनों से परेशान हूँ। आप एक दिन तो जेल से आए हुए हुए आप, एक ही दिन में आपको मजदूरी भी करने लगे। क्या करूँ मेरे बच्चों की कमजोरी, उनकी मजबूरी समझ नहीं आएगी, बच्चों तक की पढ़ाई तक छूट गई है, स्कूल में कोई रखने को तैयार नहीं। जिम्मेवार तो आप ही है ना, सब आपके कारण से हुआ है। पर कब तक करूँगा मैं ऐसे, तो छोड़ दो ना ये सब काम। लगता है मरी जाऊँ कहीं जा, ये सब ऐसा काम करना छोड़ दो, ऐसा करने में क्या जाओगे ना, तो आपके परिवार वालों को कोई नहीं देखेगा, उनको लोग हीन नजर से देखेगा। दरोगा जी से बात हुआ था, हम कभी थाना पे बोले कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिल खराए थे, बीबी आई थी उसकी, दो बच्चे हैं, लोग कुछ जैसे बेटे हैं, उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से जो भी करके कराया सब कुछ मुझे बताया। पर कोई भी देखो को अगर जो काम आप गलत दूसरे के साथ करते हो, अगर दूसरा कोई आपके बच्चे आपके बीवी के साथ करे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो वैसा ही सबको वैसा ही देखो। तो मैं जैसे तो, आपके बीवी बच्चे तो वैसे ही दूसरा चाहता हूँ, मेहनत करके तो करो, मेहनत करो, कमाओ, अच्छी बात है। मेहनत आप गलत फील्ड में कर रहे थे ना, फील्ड तो पहले बदली है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने फोन पे भी बोला था मेरी छवि अच्छी कर दो, मैं तो पब्लिक से मांग रहा हूँ, मैं तो माफी मांग रहा हूँ। तो लगा मुझे, देखो आज भी कैमरा हम लगाए, कह रहा हूँ पब्लिक से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैंने जो भी गलतियाँ करी है ना उन चीज़ों को एक बच्चा समझ के, जो मेरे से बड़े हैं वो बच्चा समझ लो, या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं कहीं जाने लायक, मेरा परिवार भी कहीं खड़े होने लायक भी ना बचे। आप लोगों से हाथ जोड़ के मांगता हूँ, आप भी बोलोगे तो मैं तो वही चाहता हूँ। देखो मेरी छवि आप लोगों के हाथ में है, आप सुधारोगे ना। देखिए आपके और मेरे हाथ में कुछ है नहीं, भगवान के पास जो आप करके आए ना वही आपको भोगना पड़ेगा। आपके यहाँ पे बस उनके बने बनाए हुए कठपुतली हैं, वो जैसा ना चाहेंगे उस तरह। सब आप देखिए और आपकी जनता आपके कर्तव्य के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा कर्तव्य करोगे ना वैसे ही पाओगे। ये लोग अगर मुझे अपना लेंगे, आप लोग मुझे अपना लोगे ना,
तो मैं जिंदगी हमारे अपनाने से नहीं होगा, हमारे लोगों का दिल तोड़े हैं। हमारे ना तो आप अपने हो ना पराए हो, हमें आपसे कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। कितनों के पास जाऊंगा मैं, कहाँ कहाँ जाऊँ, मेरे घर में तो खाने के पैसे। अरे इतना अच्छा ठक खटा शरीर है, कहीं मेहनत करिए, मेहनत का पैसा तो नहीं देता, रोजगार मिलेगा बहुत सारा मिलता है, आप करना ही नहीं चाहते हैं। आपको तो लगा है वहीं दूसरे को लूट लो, कभी किसी को लूट लो, कभी किसी का खा लो, कभी किसी का पीट लो, इसमें आपको मजा आता है। अब तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता भैया, मैं तो बस चाहता हूँ कि बस मेहनत मजदूरी करके। आपको 2 लाख रुपए कहाँ से आ गया जो आप देखे भैया? मेरे तो सही बताऊँ, मैं अगर जेल में रहता ना, मेरे लिए वही अच्छा था। मुझे तो बाद में पता लगा मेरी पत्नी ने पता नहीं अपने जेवर गहने क्या क्या बेच बाच के पता नहीं किस किस से पैसे लेके जमानत कराई है। मैं इसीलिए तो उन चीजों को आज के देवी की रूप है, जान गए हो, पत्नी जो आपके ना एकदम देवी की रूप है। सही में भैया उसके वजह से आज आपको एहसास हो रहा है ना, वैसा ही सबके घर में बीतता है। आप जिस लड़कियों के साथ सबके घर में जिंदगी खराब की हो, उनसे जाकर कभी पूछे हो जिनको आप खून का आंसू रुलाए हो, सबके घर में वैसा ही बीतता है। उनसे पूछो कोई दिल पे उनके घर वालों पर क्या बीतता है भैया, घर आप उजाड़ चुके हो। आज उन चीजों का एहसास हुआ तभी तो तुम्हारे पास आया। बहुत लेट हो गया, एहसास होने में बहुत लेट कर दिए हो भैया। कोई रास्ता तो होगा मेरी जिंदगी में कुछ चलने का, कोई रास्ता? अगर कोई रास्ता तो एक ही रास्ता है सबका, माफी मांगना, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। मैं तो माफी मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ, कमेंट आएगा उस अनुसार से हम काम करेंगे। बस अब गलत को करो मत, मेहनत करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, मेहनत मजदूरी 10 रुपए कमाओगे ना उसका, जब घर पे ले जाओगे बनाए खाओगे ना, जो सुकून से उसका लगेगा ना भोजन, ये 20 करोड़ रुपए कमाने से कुछ नहीं होगा गलत काम से। किसी की मजदूरी पे जाता हूँ भैया, बच्चों को भी कोई खड़ा है। तुम्हारे बीवी बच्चों को रोने पर दरोगा तक तरस खा गए हैं, तुमको नहीं आ रहा है सब काम? अरे छोड़ क्यों नहीं देते यार, ये सब काम छोड़ दो, मुझे तो लगता है अच्छा काम करो। इतनी बड़ी गलती करके ना लाइफ, बद्दुआ नहीं मिले, गली में कोई हीन नजर से नहीं देखेगा तुमको। आज मुझे दिख रहा है कि मैं एक कोट पैंट झाड़ के चल रहा है रोड में, कोई गाली देता अच्छा लगेगा? क्या करूं भैया, कुछ तो बनाऊं अपने आप को, कहीं जाऊं नौकरी के लिए ढूंढूं, कहीं मिलूं, कुछ तो करूं, कहीं क्या करूंगा बताओ तो। बहुत काम है, कपड़ों में जाऊंगा कौन नौकरी दे? बहुत काम है, बहुत काम है, आप करना चाहोगे तो बहुत सारा काम मिलेगा, एक जगह काम नहीं है, काफी जगह काम। चैनल के माध्यम से आप गलत हुए तो हमें इसका गारंटी लेते हैं कि हम ही आपको सही करेंगे। भैया बस मैं यही तो चाहता हूँ कि मैं वीडियो को डालेंगे, इससे आपके आपसे लोग जुड़ेंगे, आपके लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखो आपको लाखों लोग जानते हैं, लाखों के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोग जानते हैं भैया। बस मैं तो वहाँ से ये कहता हूँ, मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गलती तो भगवान माफ करते हैं, ये तो इंसान है, तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कमेंट के माध्यम से कि इनको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी उन लोगों के हाथ में। मेरे तरफ से तो मैं हम लोग माफ कर दिए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा भैया। मैंने लाइफ में ना कभी पैर पैर मत पड़ी, देखो मैंने हमेशा कहा था, मैंने गुस्से में पड़े किसी के भी पैर पड़ लिए हो, ठीक है, मैंने वहाँ पे भी माफी मांगी हो, पर भैया मैं आज मेरे लिए ना साक्षात भगवान हो जाओगे अगर आपने माफी मत मांगी, आपने मेरे लिए वो चीज करी ना, मेरे लिए साक्षात भगवान हो जाओ, अगर आपकी वजह से मेरी छवि दोबारा सुधर गई ना, मैं जिंदगी हम तो जिंदगी आपको माफ करते तभी आपको छोड़े, उसके बाद आप कचौड़ी वालों को परेशान कर रहे थे, उसमें मैंने आपको समझाया ही था, लेकिन आप तो अपने काम से बाहर जाते नहीं, इसलिए मैंने आपको देखा पुलिस का हवाले किया। रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, गलत किए हैं तो गलत के बाद अगर जिंदगी का जो पहिया इस तरह चलता है, कुछ कुछ नेक नीचे ऊपर नीचे कुछ होते रहता है, कुछ नेक काम करो जो तुम्हें कभी भलाई हो, मार चपड़ी लाता है तो उसी में कोई 21 का महीना होता है, कोई 30 का महीना होता है, तो जिंदगी क्या वही है, दुख सुखाते रहते हैं, बस आपके हाथ में है। मेरी जिंदगी तो एक एक पल घट रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कहीं कोई रास्ता बहुत सारा दुष्कर्म कर चुके हैं ना, इसके लिए आपका जिंदगी आपके नज़र में घट रहा है, लेकिन आज आप आज से अगर आप अच्छा कर्म करेंगे ना तो भगवान भी आपका सपोर्ट करेंगे। नेक काम इंसान है हम लोग तो मालूम से कि छोटे इंसान है, हम लोग क्या औकात है, सारा दुनिया में लोग खराबे हो जाएगा तो अच्छा कौन रहेगा यार, पता नहीं किस किस का दोषी बन गया। अच्छा काम तो करके पत्नी का दोषी, उनके बच्चों का दोषी, माँ बाप का, रिश्तेदार का, सब हर इंसान को एक ना एक दिन मर जाना है, सब छोड़ के चला जाएगा। इतने लोगों के साथ गलती करी होगी, वही नाम भी बोल रहे हैं, जो भी यहाँ आया सबको एक ना एक दिन जाना है, सब छोड़ के ये चला जाएगा यहीं पे। मैं तो आपसे भी अच्छा करके जाओ, देखो आपने कहा कैमरे के सामने छवि सुधर जाएगी, मैं तो इसीलिए माफी भी मांग रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा कि मैं, हम सारे लोग सभी आपके सामने बोले हैं, जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमको पसंद करते हैं, जो लोग हमको देखते हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मौका आप लोग दीजिए, एक मौका देने में क्या लग रहा है, उम्र में देखो कहीं ना कहीं बड़ा ही हूँ, एकदम बड़े हैं, बड़े भाई के जैसे हैं, और इंसान से गलती होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ बोल रहे हैं भगवान, इंसान तो एक ऐसी काया है, कहते ना गलती का कठपुतली होती है,
पर पछतावे के आगे भी तो कुछ होती होगी ना जिंदगी। हाथ मत जोड़िए यार। क्या करूँ भैया, मैं तो पैर पटने लगा हूँ, आपने गले लगे हाथ है मत लगे। आप कौन अच्छे हो भैया, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया। कोई बात नहीं भैया, गलती करोगे तो उसका नतीजा गलत ही है। अपने हाथ में जो होता है, जो भगवान लिख दिया ना कर्म में, वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। सही करो, गलत मत करो, बीवी बच्चे खुश रहेंगे। आज तुमको पछतावा रहा है कि भैया बना मैंने क्या? ए ए चुप, तू काट के। तुमने जो किया ना, तेरे से कुछ नहीं होगा। कितने लोग बात कर, अभी मिट्टी शिकंजे में है, कुत्ते की पूछ रही है। अब तेरी जिंदगी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं प्रकाश। सही में अब मरेगा तू, अब सही में मरेगा तू, अब तू सही में जाए। उल्टी जिंदगी गिने, उल्टी गिनती गिन तुम, अब तू सही में जाएगा। अरे यार मारो, और ड्रामा करता है, और मारेगा, तड़पेगा, तू तड़पेगा। क्या बोला आपने के बारे में? उठेगा ना, उठेगा तो मेरे सपने आएंगे, जिंदे को सपने, सवेगा तो मेरे सपने। तेरे से तेरे सर पे ना मौत तांडव करेगी, तेरे से बाल एक बाका नहीं होगा। मौत से मौज खेलते हैं, मौज के साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं। अरे तू क्या, मौज के साथ मैं चोर छुपाई खेलता हूं। अरे अरे मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा ना, तू तेरे से जब मैंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तू तो है ही क्या बे? क्या किया तू, बाल बाका नहीं कर सकता है? अरे तेरे बारे में बातें कर रही थी तू, क्या है तू, क्या किया उनके साथ तू? उसे जिस मुंह से उसने तेरी तारीफ करी थी ना, जिन हाथों से उसने लिखा था ना कि प्रकाश भैया अच्छे हैं, उसी हाथ को तोड़ दिया। तू मरने वाला प्रकाश, अपनी जिंदगी भीख मांगेगा, तू तेरा परिवार, हर वो इंसान तेरे से भीख मांगा जो तेरे से प्यार करता। अरे तू बाल नहीं छू सकता, तू छू नहीं सकता। अरे जब मैं तेरे पास यहाँ आ सकता हूँ ना, तो मैं तुझे कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे पता भी नहीं है अभी। क्या है ये, किसको दिखाता है तू, ये कैमरे की धमकी किसको दिखाता है ये? नहीं उन लोगों से। अरे अब कोई डर नहीं है, तूने मेरी हालत वो कर दी है ना कि अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। सुन ना, बहुत सुधरने की कोशिश करी है पर तेरी वजह से ना, केवल तेरी वजह से मुझे ना हर जगह हर रास्ते पे ना केवल बस एक ही चीज दिखाई देती है, मौत। हमको लगता था, लेकिन मैंने ना पता क्या, मैंने क्या सोचा, मैं आपको बोला था ना, अब मैंने क्या सोचा है, खुद नहीं मरूंगा, अब उस मौत को ना तुझे अपनाना पड़ेगा, तू सोएगा उस मौत के गोद में। तू याद रख इस चीज को, मैं जो लिखा होगा ना, अरे वो जो लिखेगा ना भगवान हमको, उसी ने मुझे जरिया बनाया है। तू तूने मुझे ये करने में मजबूर किया है, तू मारेगा हमको, याद रखना तू मारेगा। अरे मारूंगा नहीं, अभी तक तूने मुझे तड़पाया ना, मैं इतना तड़पा नहीं हूँ जितना मेरा परिवार तड़पा। अरे जो खून के आंसू उन्होंने रोए ना, रुलाया ना, अरे क्या किया उनकी वजह से? तू बोला ना केवल तेरी वजह से, क्या बोल रहा है अभी खून? अरे केवल तेरी वजह से, अभी तू क्या सही किया उनका? क्या हां तो किया मैंने, किया मेरी पत्नी है ना, तेरी तारीफ कर रही थी। क्यों बोल रहा है तेरी तारीफ ना, अच्छे तो अच्छे, तेरी तारीफ कर रही थी ना, अच्छे कहीं कोई तारीफ करता है? अरे तो क्या तू गलत था ना रे? अरे हूं गलत था हूं मैं, तोड़े मैं कहता हूं मैं गलत हूं। तेरे से जो मेरा होगा ना वो कर लेना जा। अभी कैसे रो रहा था गली में, सब बीवी बच्चे गलत बोल रहे थे हम। एक्टिंग करता है ना तू भी, इधर सुन, तू भी एक्टिंग हम इनको बोल रहे थे। बीवी बच्चे तेरे गल, सुनिए मेरा बात, ये भी एक्टिंग करता है ना, मेरा बात सुन। हम आपको बोले थे ना, बिहार में कहावत है
कि कुत्ते के पूंछ में कितना भी तेल लगा लो वो सीधा नहीं होता है। ये भी बात है इसको, ये वो कुत्ता है, बात लात किसने समझा है, लेकिन समझेगा नहीं। ये वो कुत्ता है, पूंछ सीधी नहीं करेगा, तुझे काट के दिखाएगा। सुन बेटा, इधर सुन, इधर क्यों भो भोकेगा? अरे भोकेगा नहीं, एक बार तू देख चुका है, अभी देखना वक्त बाकी है तेरे पास, तू देख। अब समझ तू गया, तेरे को पुलिस देखेगा। अब तेरा, अरे जा मेरे पास भेज रहा है। जा, किसकी धमकी देता है तू मुझे? अब वो थाना धमकी, गीदड़ धमकी मत दे। अब तेरा ये सारा कांड अब थाना देखेगा। अरे देना, समझना है ना दे, अब मुझे किसी का डर नहीं है। वहाँ तो बहुत गिड़गिड़ा रहा है, डरोगे मांग रहा था, तुम डरोगे। वहाँ तो भीख मांग रहा था, बोल ले जितना बोलने के लिए। वक्त आएगा तुझे दिखाऊंगा मैं। अब चिल्ला रहा है यहाँ पे, धमकी देने आया है। जा, तुझे सर नहीं है। जा, बस तेरे को इसलिए मिलने आया था आखिरी बार कि आज मिलूंगा और उसके बाद तू तड़पेगा हर दिन, हर सपने में। अभी चल चल चल, जा जा, मेरे बारे में जाने का भी नहीं। अनलीगल करने लगे ना, तेरा छठी या दूध छठी का दूध, लेकिन हम लोग पुलिस को बोले दिखाने को, तो मैं तुझे मिट्टी में अभी मिला। हम भी तुझे अब तुझे ना उसी तड़प में जीना पड़ेगा। सुन सुन, पुलिस की धमकी मत दे, तुझे पुलिस की धमकी मत दे। पुलिस करती क्या है, परिवार को दुखी करती है और क्या करेगी। हम भी सुन ना, ना मेरे साथ गेम खेलना दिखा। हम अभी तेरे को यहाँ पे सारा ए टू जेड बता देते, दिखा देते, इंड कर देते, लेकिन हम थाना इंचार्ज को वचन दिए हैं। अरे कोई बात, जो भी होगा हम उसको दिखाएंगे, वही डील करेगा। अपने वचन को बरकरार, मेरा भी वचन है, वो थाना इंचार्ज ही डील करेगा, नहीं करेंगे ना। डील करूंगा क्या, दिखा। हम तेरे से कुछ नहीं करेंगे, वो थाना इंचार्ज तेरा कुछ करेगा, जो भी करेगा। पैसा, अरे कुछ नहीं होता, पैसा मेरे लिए हाथ का। आज बीबी गहना बेचिए ना, कमाऊंगा ना, खेत बेच कर जाएगा के लिए, और पैसा आएगा ना केवल तेरी बर्बादी के लिए। अब तू खेत बेच के लाएगा, अभी तो गहना बेच के ही लाया है। हुआ हूँ मेंटल, अब हुआ हूँ, अभी तक तो बिल्कुल सीधा था। जो तूने पिछली बार किया है ना मेरे को, कचौड़ी वाले के साथ मिले, जो तूने पुलिस वाले को दिया है ना मुझे, बस मेरी जिंदगी का एक। अरे सुन ना, तुझे पहले ही दे देते हैं, बड़ी मुश्किल से तुझे पहले ही पुलिस में दे देते हैं। मेरे कहने पर छोड़ा, सोचा था सही करने के लिए, लेकिन तुम वहाँ पे भी पहुँच गए। मेरे कहने पर छोड़ दिया है, लेकिन तू उस लायक है ही नहीं। सही किया था, अरे सही नहीं किया था, है ही नहीं उसका काम था ना। 200-400 रुपए के चक्कर में तो मेरे घर के, मेरी वाइफ के सब जेवर गहने सब बिकवा दिए तुम लोगों ने। तब भी तू था उस तरह। अरे आज 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 कौन सा सीधा है तू? अकल तो आज भी, अगर मैंने पकड़ा था ना उसी दिन जिंदा मार देता ना, आज ये आज भी कौन सा सीधा है तू? अगर आज भी हम छोड़ रहा है ना, तो उस पुलिस वाले के चक्कर में शेर नहीं है, शेर हूँ। अरे अब दिखाऊंगा शेर कौन है, उस शेर को तू देखना कि शेर कौन है। अभी नहीं देखना, दांत दिखाना, शेर की दाढ़ को तुझे पता लगेगा। दिखाना, प्रकाश दिखा दो, शेर की दाढ़ को तुझे पता लगेगा। ये आवाज इन कानों में, वो आवाज इन कामों में गूंजती रहेगी जिंदगी भर। मेरे कान से तेरा आवाज सबका निकल चुका है। अरे अब तो आएगी, तुझे डरता नहीं हूँ। आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बोल रहा हूँ ना। उसको भी देख, जा जा जा, कुछ नहीं होगा, कर लियो, जो करना होगा ना करना, अपना काम। डरने वाले नहीं है, छोड़, बोल रहा ना, छोड़, जा, डरने वाले है। अब तू डरेगा, हाथ मेरा भी अकड़ा हुआ है। अरे जा रहा, मैं तो अभी आ जाएंगे ना, मैं अपना खोप में जीता, खोप में जीएगा ना, थाना से के रोएगा, थाना से किधर है, थाना प्रभारी से अगर बात नहीं हो रहा था ना, तो आज ही तुझे बता देते, आज ही खत्म कर देते थे तेरा सब। जितना पिछू आए में पावर हो ना, पावर है, लगा लेना, हमको मारने की बोल रहा है, मारना, मार के दिखा, तुझे तू जो बुलाएगा जहां तू तड़पेगा, मार तो तुझे ऐसे चुटकी में सकता हूँ, लेकिन तुझे तड़पा तड़पा के मारना, मेरा तुझे जहाँ बुलाना हो, जिस जगह जिस लोकेशन बोलना, अकेले आऊंगा, अकेले फरी आऊंगा, लेकिन तू भी अकेला होना चाहिए। अपने चंद कुत्तों को लेकर मत आना, कुत्तों को लेकर मत आना, एकदम जो कर दो होगा आके फरी आना हमसे। ठीक है, चल जा, तू भी चल जा, बता रहा हूँ निकल। कुत्ते का मुंह नहीं लगते हैं, चल।